संख्या है तुम्हारा 89। क्वेश्चन नंबर 10 ही कह रहा है देखो कि यदि धात्विक तार में, क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटा तक प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। चला का दे दिया है बाबू, धारा I का मान दे दिया है 0.5 एम्पियर दे दिया, टाइम आपका दे दिया है T का मान 2 घंटा, तो इसको सेकेंड में बदल लें तो 2 × 60 से गुणा करेंगे मिनट में, फिर 60 से गुणा करेंगे सेकेंड में, अभी 6 × 12, 12 × 24, 6 × 36 = 72, तो 7200 सेकेंड हो गया, ठीक है 7200 का हो गया सेकेंड। सुनो ध्यान से बताते हैं क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो यन बराबर I × T हो जाएगा, I समय जो फैराडे नियतांक है उससे, भाई 96500 सुने सुनो उससे भाग दे देंगे, और जो अवगाद्रो संख्या है उसमें हमेशा गुणा कर देते हैं, इससे याद कर लेना है, पढ़े भी होंगे क्यू बराबर IT होता है ना, तो क्यू बराबर क्यू की जब यन नहीं लिख देंगे, ई को छोड़ दीजिएगा तो यन बराबर IT, नीचवा फैराडे नियतांक आ जाएगा 96। अब भर दो मान, चलो I का मान तो मालूम है ना 0.5, T आपको मालूम है T 7200 × 6.023 × 10³³३, हाई जो आपका होगा 96500, तो 2 0 से 2 0 ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दोगे तो नीचे 1 10 आ जाएगा, एक यही कट जाएगा 5 से 5 5 9 45 5 53 193, ठीक है आप इसको पूरा हल कर दो काट कूट के, जब हल करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर के आ जाएगा कितना जानते हो, 2246 × 10³² इलेक्ट्रॉन। देखो तो हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, पहले सुनो ये तो कट गया है तो बचा का है, सुनो बचा आपका ये है 72 बचा है, यहाँ पर बचा है ना 72, तो 72 लिख लो ऊपर गुण है ये 6023 अगुण है 10³³३। अब सुनो नीचे बच गया 193 अगुण है, सुनो ये 3 0 आ रहा है नीचे 3 0 एक ये 0 4 0, तो इस 4 0 के ऊपर कर दो 10⁻⁴ हो गया, अब तो कटेगा नहीं कुछ से तो गुणा कर देते, रुक जाओ 6023 है इसमें 72 से गुणा कर दो, 3 × 6 2 × 4 है 0, 6 × 12 कट, 7 × 21 7 × 14 और 14 × 2 16 और 16 × 16 7 × 42 अब भाई 6 4 1 5 ये 6 ये 3 ये 3 ये 4, चलिए 193 से भाग दे दिया जाए, तो पहले तो 2 बार में जाएगा देख ही रहे हो, तो 3 × 6 9 × 18 और 2 × 2 = 1 3 3 × 6 = 86 13 × 6 = 13 × 6 = 7 और यहाँ 12 × 8 जाएगा 4, ये कैंसिल ये 6 उतार लो, फिर 2 बार में लेके जाओ तो भाग दे तो आ तो रहा है आ जाएगी इतना गुणा 10³, 10 इधर उधर करोगे तो 23 में 4 जाएगा ना, इस फिर 10 इधर उधर करोगे तो 1 मिनट हमको लगता है ना, और भाग देगा पहले देखो, फिर 2 बार में लेके जाओ 3 × 6 यहाँ पर लिख रहे हैं तो 4 से कहा है 76 है और लेके जा रहे हैं 22 आ चुका है, 2 बार में लेके जा रहे हैं 2 बार में तो 2 से गुणा करो 3 × 6 9 × 18 1 × 19 नहीं 18 × 18 रहेगा ना, 2 × 2 = 3 घटा दो 6 में 6 गया 0 और 17 में 60 जाएगा 9, ये कैंसिल, फिर आपका 5 है तो 5 उतार लो, अब इसको लेके जाओ 4 बार में, ठीक है कितने बार में जा रहे हैं 4 बार में, तो 4 × 3 = 12 9 × 2 = 36 137 4 × 4 = 37 हो जाएगा 4 × 4 = 3 = 7 5 × 2 = 3 यहाँ 9 में से 7 गया 2 यहाँ 8, अच्छा एक हासिल दे दिया ना 8 में से 1 जाएगा 7 जाएगा 1 बच गया आपका, अब क्या बच गया 6 6, अब इसको लेके कितने बार में जाएंगे आप 6 बार में चला जाएगा, ठीक है ना कितने बार में गया 6 बार में, तो सुनो इतना तो आ गया लेकिन सुनिएगा इतना आ गया लेकिन ये 22 नहीं रहेगा, 23 में 4 घटा दो 19 कितना हो गया 19, अभी दशमलव उठा के यहाँ जब लेकर आओगे 2.2 4 6 गुणे तो 10³³ 19 तब 10³² होगा और इतना इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ हो जाएंगे आंसर बन जाएगा, वो तो खुद आप कर सकते हैं ना क्या दिक्कत है, अपना मन से खाली भर लीजिए खुद आप लगा लीजिएगा इसको नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्वेश्चन आपके हैं पाठ्यनिधि प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उन धातुओं को एक सूची बनाइए
जिनका विद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है, माने विद्युत प्रवाहित करके तब उसको तोड़ा जाता है। तो सुनो बाबू, विद्युत उसी में प्रवाहित किया जाता है जो प्रबल होता है, जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, MgCl2 हुआ, इसी में विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो यानी आपके प्लस में टूट जाता है, Cl आपके माइनस में। तो प्रश्न यही तो कह रहा है कि उन धातुओं को एक सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। तो आप NaCl को लेंगे तो Na लिख दिया गया, यह भी एक धातु है भाई, जो विद्युत अधिकारी श्रेणी में पहले आते हैं ना, उसको हम लोग आसानी से निष्कर्षण कर सकते हैं। तो सोडियम लिख दिया गया है, कैल्शियम लिख दिया गया है, मैग्नीशियम लिख दिया गया और एल्युमिनियम, माने सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का हम लोग निष्कर्षण कर सकते हैं, धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 11 हो जाएगा, केवल उदाहरण आपका लिखना है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में Ca2O7 के ऊपर 2- आयनों के एक मोल के अपचयन के लिए कूलाम, मान कितने कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। भाई विद्युत का मतलब जब भी कहेगा तो फैराडे नियतांक, माने विद्युत की मात्रा जब पूछता है, आवेश पूछता है, तो आपको मैंने बताया था कि N × F लिखेंगे, N × F माने फैराडे नियतांक का मानवा रख करके। तो इसमें क्या पूछा, इसके अंदर पूछ रहा है विद्युत की मात्रा, विद्युत की मात्रा, तो विद्युत की मात्रा निकाल लेना है तुमको किस से, N × F से, N × F से। तुमको यन मालूम है ना, यन तो आपके पास मौजूद है, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, यन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 6 तो दिया है यहाँ पर, तो 6 लिख लो। ये फैराडे नियतांक में 96,500, चलो बाबू गुणा कर लो, 0 0 6 32 की 6 39 54 357, इतना फैराडे मान इतना कूलाम कह सकते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन था, समाप्त हो गया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 89 पर 3 क्वेश्चन थे, तीनों को हमने सॉल्व कर दिया, इसको नोट कर लो।